नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं डॉक्टर राजवीर गरेवाल, लुधियाना पंजाब से। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये बिल्कुल नया हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, कबूतर की उड़ान, कबूतरों के अभी देखिए सीजन शुरू होने वाला है, बिल्कुल आगे सीजन है, कबूतरों की बाजियाँ लगेगी, हाई फ्लायर, लो फ्लायर, ठीक है। तो उनमें आपको सक्सेस कैसे होना है, ठीक है, तो हर चीज को हम कवर करके चलेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, उड़ानों के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, हर प्रॉब्लम। अब खुद देखोगे कि कितनी उड़ान में कितना फर्क पड़ा है, क्या चेंज है कबूतरों की उड़ान में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि कबूतर को मेन जो भी कबूतर के अंदर उड़ान के लिए सबसे मेन जरूरी है, कबूतर के पंख। अगर पंख ही सही नहीं है तो बेकार है। उसके बाद नंबर दो, उसके अंदर खून। जब हम उड़ान कराएंगे, पंख भी तभी बनेंगे अगर कबूतर के अंदर खून होगा, ब्लड अगर ज्यादा होगा तो होगी, क्योंकि जो पंख बनते हैं खून से बनेंगे, ठीक है। खून नहीं होगा, पंख अच्छे नहीं आएंगे, पंख अच्छे नहीं आएंगे, कबूतर उड़ान नहीं कर पाएगा, सही समय नहीं, सही ढंग से उड़ नहीं पाएगा, पूरा टाइम नहीं करेगा अपना, ठीक है। अगर पर अच्छे होंगे कबूतरों के अंदर तो वो उड़ान अच्छी करेंगे। और नंबर तीन दोस्तों, उसके अंदर जो कबूतरों के मसल होते हैं, उनके जोड़, ठीक है, मसल जो बॉडी के, मतलब जो मसल होते हैं, ताकत जो होती है, उन चीजों के अंदर जो आपको, जिससे कबूतर की परवाज बढ़ती है, ठीक है। अगर मेन क्या है उसमें, बॉन, ठीक है, बॉन के बाद बनेंगे मसल, जो भी चीजें, मतलब कबूतर के मसल तभी बनेंगे अगर उस फिटनेस में होगा, ब्लड होगा उसके अंदर, तो अगर उसके अंदर ताकत होगी, ठीक है, मसल उसके तो ही स्ट्रांग बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या है, और तीसरा जो बॉन की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस कबूतर की हड्डियां मजबूत होंगी, आपने नीचे से पकड़ के देखा है कभी कबूतरों को, कबूतर नीचे से हम देखते हैं, कबूतर नीचे से बहुत सख्त है, इतनी हड्डी मजबूत, हम कहते हैं मजबूत हड्डी का कबूतर, छोटी हड्डी का कबूतर हो, बिल्कुल, अगर छोटी हड्डी का भी कबूतर है दोस्तों, अगर वो मजबूत ही नहीं है बॉन उसकी, क्या वो खा उड़ेगा, ठीक है। अगर उसके कुंडे जो उसके विंग्स हैं, अगर वो मजबूत नहीं है, उनकी बॉन स्ट्रांग नहीं है, तो चाहे छोटी हड्डी का लो, चाहे बड़ी का लो, चाहे कुछ भी, चाहे जितनी मर्जी अच्छी नस्ल का कबूतर हो, अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो चीजें, खून, बॉन, ये चीजें, मतलब उसकी जो उसको चाहिए फ्लाइंग के लिए, वो चीज नहीं है, तो वो कामयाब नहीं होगा जिंदगी में, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमने बच्चे को भी अपने पहलवान बनाना है ना दोस्तों, बचपन से स्टार्ट करना पड़ता है, पहले से खुराक देनी पड़ती है। ये नहीं है कि मान लो कि हमने रेसलर बनाना, बच्चे को प्लेयर बनाना, कोई फाइटर बनाना, तो रिंग में खड़े करके थोड़ी उसको घी खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे या उसको खुराक देंगे, पहले से करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, जो अभी से आपने जो शुरू करने हैं, ठीक है, जब परपटाई से कम 15 दिन पहले आप इसे शुरू कर सकते हो, सुपर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तीन पावर में ये बनाए जाते हैं, और अलग अलग छोटी से बड़ी पैकिंग है, और तीन पावर में ये बनाए जाते हैं, 250 पावर, 500 पावर, 1000 पावर, जितनी जैसी पावर है, जिसकी जितनी पॉकेट है अलाउ करती है उतना आप लगा सकते हो। जो भी पावर आप यूज करोगे रिजल्ट सभी का मिलेगा आपको, लेकिन ये देखिए कि जो 250 पावर है, मान लीजिए कि वो 10 चीजों से बनी हुई है, जो 500 पावर है वो 15 चीजों से बनी हुई है, जो 1000 पावर है उसमें कम से कम 20 चीजें मिला के वो प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, जैसे गोल्ड की तरह, कि जैसे गोल्ड हो गया वो 20 कैरेट हो गया, 22 कैरेट हो गया, वो 24 कैरेट हो गया, जैसे केडियम वगैरह हम कह देते हैं, ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है, उतना मतलब वो उसका वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी प्योरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये मेडिसिन है दोस्तों, तो इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अकेला अकेला प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा, मैं आपको देखिए, मैं आपको प्रेफर करूंगा, बेशक छोटी पैकिंग लीजिए, कम पावर लीजिए, आपने जो भी है, आप ये प्रोडक्ट आपने यूज करना, आप कीजिए तीनों को मिला के, तीनों में फिर क्या होगा, सभी कवर हो जाएगा, उसके मतलब जो भी उसकी बॉन प्रॉब्लम, उसकी विंग्स जो उसके फैदर है, उसके पंख की प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी खून की जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी, जो मेन जो उसके अंदर स्टेमिना चाहिए, उसके अंदर जोश चाहिए, उसके अंदर ताकत चाहिए, वो सब बन जाएगी। नहीं तो दोस्त मेरे क्या करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी डालते हैं कि कबूतर बड़े बड़े भारी कर लेते हैं, वो उड़ते नहीं है, बाद में काम भी नहीं आते, इतने ऐसी खुराकड़े जो है दाना पानी डाल लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट है हमारे पास,
एक तो है जी फ्लाई अप, दूसरा है फिट एंड फ्लाई, तीसरा है टाइम टू फ्लाई। ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट आपकी कबूतर की जो भी फ्लाइंग समस्या है, जो भी फ्लाइंग के लिए उसमें वीकनेस है, जो भी उसमें कमियां है, ठीक है, बहुत सी कमियां होती हैं, वीडियो में बताने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी खींचेंगे वीडियो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आधी बातें भूल जाओगे। जो भी मतलब समझ लो कि जो भी आपने मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने इतने काजू पिस्ता बादाम पता नहीं क्या क्या डालते हैं कबूतरों को, तो भी बाद में कहते हैं यार उड़े ही नहीं कबूतर, पता नहीं क्या हो गया, तो खुराक ही ऐसी दे देते हैं कि कबूतर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। तो कबूतर को जो आप चीज वो चीज दो कबूतर जो जल्दी हाजम कर सके, ठीक है। तो आपने अगर ज्यादा स्ट्रांग कोई मान लो कि जैसे डॉक्टर लोग हमें कहते हैं कि आप हैवी चीज मत खाओ, लाइट वेट चीज खाओ, जो आपको जल्दी हाजम हो जाए, आपका लीवर को जल्दी डाइजेस्ट कर पाए, तो उसके हिसाब से ही आपको मतलब क्या है कि उतना आपका ब्लड बनेगा, उतनी आपकी बीमारियों के लगने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, ये तीनों मेडिसिन 250 पावर, 500 पावर, 1000 पावर, ठीक है, ये इनका कैपेसिटी डोज है, जो 250 पावर है दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन आपने 1 लीटर पानी में, 2 लीटर, 5 लीटर जितना भी लाना है उसी हिसाब से मेडिसिन डलेगी उसमें, रेगुलर उड़ान जब जे अभी सॉरी पर पटाई से कम 15 दिन महीना भी पहले शुरू कर सकते हो आप, ठीक है, उतना अच्छा, उतनी अच्छी क्वालिटी के पार आएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, चारों जे मतलब 250 पावर है, इसमें से 4 ml तीनों में से ले लेना है 1 लीटर पानी में मिला के, जो सुबह बनाना है पानी उतना ही पानी बनाओ दोस्तों जो शाम तक खत्म हो जाए आपका, जो शाम को बच गया बेशक 10-15 ml तो जितने कबूतर हैं आपके जिनकी आपने मतलब पर पटाई करनी उड़ानों के लिए तैयार कर रहे हो उसको हाथ से दे दो उसको, ठीक है, तो सुबह नेक्स्ट अगले दिन सुबह फिर बना लो। ठीक है, जे रेगुलर देना है इसका, जो मैंने आपको बताया बहुत शॉर्टकट आपको बता रहा हूं दोस्तों कि हर समस्या आपकी पूरी हो जाएगी, हर प्रॉब्लम आपकी कबूतरों की पूरी हो जाएगी, हर कमी आपके कबूतरों की पूरी हो जाएगी, खून बोन हर चीज जो आपको क्वालिटी चाहिए, इससे कबूतर मोटे तगड़े नहीं होंगे, इससे कबूतर स्ट्रांग हो गए, जैसे अच्छी नस्ल का आपने घोड़ा देखा है ना, घोड़ा हॉर्स, वो जैसे खड़ा होता है ना, वो कैसे सीना निकाल के खड़ा होता है, मतलब उसका स्टैंड ही अलग होता है, जैसे बॉडी बिल्डर जो जिम जाते हैं उनके मतलब देखिए अपने आप मसल बन जाते हैं, डोरेश वाले बन जाते हैं, तो मतलब उनकी मेहनत, ऐसे कबूतरों के आपके मसल बन जाएंगे। ठीक है जी, जब जब कबूतर जब जैसे जैसे आप फ्लाइंग करवाते जाओगे आप खुद देखते जाओगे कितनी फिटनेस में आते जाएंगे कबूतर, और रेगुलर डेली रोज यही पानी आपने यूज करना है, जितने दिनों तक आपने बाजियां वगैरह खेलनी है पूरे सीजन रेगुलर यूज कीजिए, एक बार भी उड़ान कम नहीं होगी, हर रोज मान लो कि आज 2 घंटे कबूतर ने उड़ा है कल 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हर रोज बढ़ता चला जाएगा, हर रोज फ्लाइंग का टाइम बढ़ता चला जाएगा। बहुत से दोस्तों के पास ये समस्या आती है, बहुत से दोस्त मेरे को कहते हैं मेरी बात होते कहते हैं दोस्त डॉक्टर साहब जो कबूतर हम उड़ान लेनी शुरू कर रहे कबूतर खाली हो गए अभी उड़ ही नहीं रहे। ठीक है, उसके अंदर जे प्रोडक्ट डालने से कबूतर पहली बात तो खाली नहीं होंगे, जितना आप उड़ाते जाओगे उतना उसकी उड़ान का टाइम बढ़ता चला जाएगा, उतना उसका जैसे बॉडी बिल्डर है आज उसने 5 किलो वेट उठाया कल 10 किलो 15 किलो 20 किलो ऐसे बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही बिल्कुल जैसे जैसे वो उड़ा फ्लाइंग करवाएंगे उनके जो नसें हैं वो खुलती जाएंगी, उतनी फ्लाइंग का टाइम बढ़ता जाएगा, उसके अंदर एनर्जी और बनती जाएगी, क्योंकि उड़ान के समय में भी क्या होता है दोस्तों खून कम हो जाता है कबूतर का, खून लगता है उड़ते वक्त भी धूप से गर्मी से खून जो है वो एक तो हम पंख वगैरह उखाड़ते उसमें निकल जाता है खून, ठीक है, काफी वीकनेस आ जाती है, दूसरा जब हम उड़ाने शुरू करते हैं तो उस वक्त भी खून कम होना शुरू करता है, कबूतर सूखने लगते हैं, बहुत से कबूतरों बाजों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि कबूतर सूख गए कमजोरी आ गई उसके बाद उड़ान कम कर गए, जो 10 घंटे भी कबूतर उड़ा रहा था वो 3-4 घंटे पे आ गया। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व इन प्रोडक्टों से। ठीक है, कोई एक बार यूज कीजिए, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं दोस्तों, एक बार यूज करने के बाद आप हर साल ये प्रोडक्ट यूज करोगे, हर बार इतना सुपर रिजल्ट है इन प्रोडक्टों का, एक बार यूज करने के बाद हर बार आप कहोगे कि डॉक्टर साहब प्रोडक्ट भेजो आप। ठीक है, देखिए दूसरी बात ये है कि कोई भी दोस्त ये बात मेरी बात समझे कि दोस्त कितने घंटे उड़ जाएगा वो आप पे डिपेंड करता है, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा उड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेरे को कई बार क्वेश्चन करते हैं इससे जी कितने घंटे उड़ जाएगा,
और भैया जो अगर 2 घंटे उड़ने वाला कबूतर है, मेहनत आपने की नहीं है, खुराक आपने डाली नहीं है, बहुत से दोस्तों के फोन आते कोई ऐसी मतलब बॉर्डर पार की कुछ ऐसी दवाइयां बताते हैं कि जे वाली वो वाली गोली है आपके पास डॉक्टर साहब। मैंने कहा भैया मैं नहीं रखता जुगाड़ जे कोई नशे नशे वाला, ठीक है ना, तो गोलियां दिलवाता हूँ नशे वालियां, ना मेरे को ऐसा कुछ है, जो भी चीज दूंगा वो चीज दूंगा जिसका आपको कबूतर, ये नहीं है कि उसको नशा दे दिया कहीं बार पे गिर के मर गया वो, ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है, आपको जो भी प्रोटेक्ट दूंगा रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। तो आपको कबूतर उड़ाने से मतलब है या नशा देने से मतलब है, ये बताइए, शौक पूरा करो, जान लेके मत करो ना पक्षी की, ठीक है। वो कैसा शौक है, कबूतर को मार दिया शौक पूरा, बाजी जीत गए, क्या क्या जीत गए, आप जीत नहीं गए, आप हार गए, ठीक है। मैं नहीं कहता ये प्रोडक्ट यूज करके आप मतलब कहोगे कि आप विनर बनोगे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत जितनी करोगे, ये है कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप जितनी मेहनत करोगे तो आपकी रंग लाएगी, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत की हुई जाया नहीं जाएगी, ठीक है। इतनी इतनी मेहनत, इतनी इतनी सीजन में धूप में, इतनी इतनी धूप में सड़ते हो आप, वो मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। जितना टाइम देखिए कबूतर के साथ खुद भी धूप में जलना पड़ता है, ठीक है, सबसे पहली बात, जिसके पास टाइम नहीं है, मान लो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है उड़ाने का, मैं क्या उड़ाऊंगा, समय चाहिए ना कबूतर को उड़ाने के लिए, समय चाहिए। अगर आपके पास समय है तो ही आप कामयाब हो गए, तो ही आपको कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो ही करने का फायदा है, आप तभी यूज करो, तो ही पंगा लो ये वाला, अगर आपके पास समय है। समय निकालना बहुत आज के टाइम में मुश्किल है, लेकिन जो शौक करते हैं वो पूरा समय भी निकालते हैं, लेकिन उनको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता दोस्तों कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मतलब यूज कर लेते हैं, ऐसी चीजें ऐसा दाना पानी यूज कर लेते हैं जिसकी कबूतर की ना मत बज जाती है बिल्कुल, ठीक है, मतलब वो कबूतर कामयाब ही नहीं होता आगे जाके। अपनी तरफ से तो बहुत कुछ, वो काजू पिस्ता बादाम डालते हैं ना, उससे कबूतर को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप जो मर्जी डाल के। मैं एक बात और चैलेंज करता हूँ दोस्तों, ये वाले प्रोडक्ट है आपके पास 20 पट्ठे हैं या 10 पट्ठे हैं, 5 को जे वाला प्रोडक्ट डाल लो, 5 को आप जो मर्जी डालो, जो आपको मन चाहे वो खुराक डालो, और फिर सीजन में अभी उसके बाद उड़ा के सीजन में उड़ाओ, फिर मेरे को उड़ा के बताओ। नहीं तो ऐसे एक और बात करता हूं दोस्तों, आपके पास 10 बच्चे हैं जो आपको लगता है अच्छे वाले बच्चे हैं, आपके अच्छी क्वालिटी के अच्छे, जिन्हें सब कुछ आपको लगता है अच्छे होंगे, वो बच्चों को आप कुछ भी डाल के जो आपको लगता है कि जे वीक है, जे थोड़े जे मतलब जे तो बेकार है, उसको जे वाला प्रोडक्ट डालो और फिर मेरे को उड़ा के बताओ कि जे उनसे कम उड़े या ज्यादा उड़े, ठीक है। क्योंकि जो आप डाल रहे हो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जो चीजें जे वाली जो 3 प्रोडक्ट है उसके अंदर वो क्वालिटी भर देंगी ना उन कबूतरों के अंदर, कि आप खुद देखोगे, देख के दोस्तों। एक बात और, 1 हफ्ता प्रोडक्ट डालने के बाद ही 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि जो मैं प्रोडक्ट डाल रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है, खुद पिजन को देख के पता चल जाता है दोस्तों कि उसको जो आप दे रहे हो उसमें क्या डिफरेंट है, क्या उसमें चेंज क्या हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 से 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट बता देगा आपको ये प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। या तो मनी वेस्ट करो, जुगाड़ करो, देखो जुगाड़ करने वाले लोग जुगाड़ करते रहेंगे तो उनको नमस्कार जो जुगाड़ करते हैं, तो मतलब जुगाड़ नहीं करना हमने, ठीक है, इसलिए काम वो करो जो आपको फायदा दे, ठीक है। बहुत से दोस्त लॉफ्टों में पैसा लगाते हैं, कबूतरों में पैसा लगाते हैं, महंगे महंगे कबूतर लाते हैं, सब कुछ करते हैं, जब मेन चीज जब उनका जो सही में उसको देना चाहिए वो नहीं देते। देखिए जैसी वो जैसी चीज आप डालोगे, जैसी खुराक उसको दोगे, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा ना, ठीक है। आप अच्छी चीजें पाओ, एक बार यूज करो, एक बार मेरे कहने पर एक बार यूज कर लो, बार बार यूज करोगे, हर साल यूज करोगे इसे, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने होगा 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन आपको पूरा सीजन जब तक कबूतर उड़ाने हैं रेगुलर देना है इसको। आप अगर चाहोगे कि कबूतर खाली ना हो आपके, कबूतर की पूरी क्वालिटी बने बन जाए, और ये नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर ही बन जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पूरा इसका पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट डाल रहे हो उसका फायदा क्या है, ठीक है। लेकिन आपको रेगुलर डालना पड़ेगा, जब तक पार नहीं आते तब तक तो पूरा डालिए, उसके बाद भी आपको इसमें पहले अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब पार पटाई से पहले 10-15 दिन जब पार पटने जब तक आएंगे तब तक आप 250 पावर या 500 ml भी 500 पावर भी यूज कर सकते हो, फ्लाइंग के टाइम में जब उड़ाने शुरू करोगे तो उसके अंदर आप 1000 पावर भी यूज कर सकते हो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है। सबसे पहले अपनी पॉकेट देखिए, अपना शौक देखिए, उसके बाद वैसे ही इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो
तो बाकी एक बार यूज कीजिए, कोई भी बंदा है चाहे मैं हूं कोई भी है, आपको एक बार कोई बंदा झूठ बोल के कोई चीज दे सकता है, बार बार नहीं। ठीक है, मेरा काम झूठ बोलना नहीं है, ना तो टोटका जुगाड़ कुछ नहीं करवाऊंगा, वो चीज बताऊंगा वो चीज दूंगा जिसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और आप खुद भी अपने मुंह से कहोगे रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यूज कैसे करनी है दोबारा से फिर बता देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, इतना बनाना जरूरी था। 250 पावर में 400 4 4 ml डलेगी, जैसे वो पावर बढ़ती जाएगी 500 ml में से 3 3 ml डलेगी, तीनों में से 1 लीटर पानी में, 1000 ml में से 2 2 ml डलेगी। ठीक है, 1 लीटर पानी में, तो ये रेगुलर पानी देना है आपने, यही पानी जैसे आपने सुबह बनाया शाम तक वो खत्म कर देना है, जितना पानी दिन में पी ले गूतर जितना पानी पीना है पीने दो, अगर खत्म हो जाता है दोपहर के टाइम और बना दो। ठीक है, ये नहीं आप सोचो कि हाँ यार हो अभी दूसरा पानी डाल दो, दूसरा पानी यूज ही नहीं करना, कम से कम जितने दिन पर पटाई कर दो दूसरा पानी, नॉर्मल पानी यूज ही मत करना। आप एक बार रिजल्ट देखो, एक हफ्ता डालो, एक हफ्ते डालने के बाद आप खुद देख लोगे क्या चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो इस मेडिसिन के बारे में फिट एंड फ्लाई, ठीक है जी, टाइम टू फ्लाई एंड फ्लाई, इन तीनों के बारे में आपको बता दिया है वीडियो में, अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर फिर भी किसी भाई को नहीं समझ आता, जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट इस साल गया है, वो भी ये वीडियो जरूर देखें, उनको समझ आ जाएगा कैसे यूज़ करना है, क्या इसका बेनिफिट है। तो दूसरे जो रेगुलर यूज़ कर ही रहे हैं इतने सालों से, उनको तो पता ही है कि क्या रिजल्ट है। ठीक है ना, तो वो उनको तो बताने की समझाने की जरूरत नहीं कैसे यूज़ होना है, वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। कबूतर जब हमें निकालने हैं, मान लो पार आ गए कबूतर के, सब कुछ हो गया, जब हमने कबूतर निकालने हैं तो उड़ाने कैसे शुरू करने हैं, ठीक है, उस पे हम जो उसके लिए प्रोडक्ट है उस पे बात करेंगे हम। तो अगली वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरा भाई जो मेडिसिन लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।